बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ की जो इंग्लिश है उसको लेकर फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो यहाँ आपका जो पेज नंबर 5 है, मैं लिखूँगा यहाँ पेज नंबर फाइव टेक्स्ट बुक जो आपका है उसके आज हम क्वेश्चन अभी करते हैं। इसके लैंग्वेज वर्क पर जाएंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ लैंग्वेज वर्क जो लिखा हुआ है। तो आज जो है डेट 19 अप्रैल 2021। तो लैंग्वेज वर्क में जो है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, जो नीचे ये सेंटेंस दिए गए हैं, नीचे ये जुमले दिए गए हैं, 8 जुमले दिए गए हैं, ये कहते हैं कि इनके लिए एक वर्ड आगे बताओ, इनके लिए बताओ एक वर्ड लिखो आप, जो इस सारे सेंटेंस का, सारे जुमले का मतलब बताता है। एक वाइन से दिया गया है, ये कहता है वन हैज बीन डन फॉर यू, एक वाइन से आपके लिए दिया गया है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो आप, यहाँ पे आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो, बुक पे है, ये देखो, पॉपुलर ऑफन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ट्रेंडी, जो कोई आदमी हो अक्सर जो मशहूर रहता हो कम वक़्त के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड में हमें डिस्क्राइब करना है उसको। जो आदमी बहुत कम वक्त अरसे के लिए रहता हो, मशहूर रहता हो, ट्रेंडी, तो उसको बोलते हैं हम फैशनेबल, जो फैशन करता हो मुख्तलिफ, तो उसको बोलते हैं हम फैशनेबल। तो इसका आंसर जो है आगे, उसको फैशनेबल बोलते हैं। फिर इसी तरह से आप ये बुक पर भी देख सकते हो, एरिया और सिटी, एरिया ऑफ ए सिटी वायर देयर और फैक्ट्रीज, यह एरिया ऑफ ए सिटी वायर देयर और फैक्ट्रीज, वो इलाका शहर का जहाँ पर फैक्ट्री हो, उस इलाके को क्या बोलते हैं, उस इलाके को बोलते हैं इंडस्ट्रियल बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं उसको सनती इलाका, सवार नून एन ते थी सनती। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल इलाका, जहाँ पे फैक्ट्रीज हों उस शहर के, उस इलाके में जहाँ पे फैक्ट्री हों, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल। फिर तीसरा प्रेटी टू लुक है, देखने में जो खूबसूरत लगे उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। फिर है चौथा जो आपका है, काइंड एंड थिंक ऑफ अदर, जो दूसरों, जो नरम दिल हो और दूसरों के बारे में सोचता हो, उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड में हमें डिस्क्राइब हो, उसको बोलते हैं थाटफुल। तो वेल नोन, जिसको लोग अच्छी तरह से जानते हो, लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो, तो उसको बोलते हैं फेमस, FAMOUS, फेमस, फेमस को ऑलरेडी मशहूर बोलते हैं। समथिंग और समवन यू कैन ट्रस्ट, जिस पे आप भरोसा करोगे, जिस किसी चीज़ पर या किसी इंसान पर जिस पे आप भरोसा करते हो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी, TRUST, ट्रस्ट, WORTHY, वर्दी, द ट्रस्ट वर्दी उसको बोलते हैं। फिर है पीपल विद नो वेयर टू लिव, वो लोग जिनको रहने के लिए जगह घर नहीं है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेघर, तो इसको उनको बोलते हैं होमलेस, HOME, HOME, LESS, होमलेस। फिर सातवां जो है आपका, समथिंग दैट सेव्स योर मनी, कोई चीज़ जो आपका पैसा बचाती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल। तो ये था आपके जो वन वर्ड जो वाले। तो नीचे हम जाएंगे, फिर आपके कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं, ये जमलिंग वर्ड, इधर उधर वर्ड्स दिए गए हैं, आगे पीछे करके दिए गए हैं, सीधे नहीं वर्ड्स दिए गए, इनको सीधे करके सेंटेंस में बनाना है, हमें सेंटेंस में बनाना है, रीअरेंज करना है फॉलोइंग वर्ड्स को इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, जिनकी कोई मतलब हो, वो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिनकी कोई मतलब निकले, तो और आगे बताना ये क्या सेंटेंस है, ये कौन से सेंटेंस है। तो यहाँ पे लिखा है एक आपकी बुक पे, ये देखो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, गिव योर पेन मी प्लीज, तो इसको सीधा सेंटेंस बना, इसका कोई मतलब, ये आगे पीछे वर्ड्स को किया हुआ है, ये इसका मतलब कुछ नहीं है। अब हमें इसका मतलब भी पता चलना चाहिए और सेंटेंस भी बनना चाहिए, तो इसका आंसर जो है गिव मी योर पेन प्लीज, तो इस तरह से हमें लिखना है गिव मी योर पेन प्लीज, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर दूसरा है सिक द ग्लूज, तो इसका जो आंसर है सही, जो हमें वर्ड्स को लिखना है, द सिका इज ब्लू, द सिका इज
ब्लू, ये सिंपल सेंटेंस है। अंडर कैट टेबल द इज, ये गलत है, ये इधर उधर के वर्ड है। इसका जो सही जो सेंटेंस है वो इस तरह, द कैट इज अंडर द टेबल, ये भी सिंपल सेंटेंस है। फिर दूसरा है आई इन रीड आई स्टैंडर्ड फिफ्थ, तो इसका जो सही सेंटेंस बनता है आई रीड इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये भी सिंपल सेंटेंस है। फिर है पांचवा जो डिड दिस वेयर यू फ्रॉम गेट, तो इसका सही जो सेंटेंस बनता है वेयर फ्रॉम यू गेट दिस फ्रॉम, यो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया सेंटेंस है। फिर दूसरा जो है आपका गो यू शुड ए गुड डॉक्टर, तो ये इसका जो सही सेंटेंस है यू शुड गो टू ए गुड डॉक्टर, तो इस तरह से ऊपर के सेंटेंस को नीचे सही करके लिखना है, ये ऑप्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह से जो आपकी इंग्लिश थी या आपका जो आखिरी जो था आपके टॉपिक, इसका टॉपिक जो था इस ए फाउलर एंड अ कॉयलर जो हमने पढ़ा लैंग्वेज वर्क, तो ये हमने आज जो है ख़त्म कर किया और आगे इंशाल्लाह दूसरा लेसन हम आगे हम पढ़ेंगे अब इसका क्लास फिफ्थ की जो आपकी इंग्लिश है। बाकी वसलाम।